हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गई अत बगते मिला इसकी तो खैर नहीं है। काय ग कुठे तुझा भाऊ, किधर है तेरा भाई, का छुपा के रखा है? काकी वो, काकी वो क्या क्या वो क्या 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 वो क्या काकी हा? काकी चल बाजू में वाला बगुन दे। काय करता तू, का छुपा के रखा अपने भाई को? काकी भाऊ इधर नहीं है काकी, वाला बगुन दे। काटे लपो थोड़ा स्टू हां, आप नहीं छोड़ेगी उसका? मैं मैं सच में नहीं छोडूंगी मैं इसको। नहीं काकी, का छुपा के रखा उसे? काकी काय करता तू मेरा, शेंडी मत लगा। छुपा के रखा है? हे देवा, हे काय, ये तो दरवाजा तोड़ने वाला हो जा रहे ना? हाँ, इसका मतलब कि तेरे भाई ने अभी तक 420 छोड़ी नहीं है, वो कभी नहीं सुधरेगा। उसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, उसे शादी का वादा करके भाग गया। काकी आयशा, मेरे को नहीं पता भाव कहाँ है। झूठ, तू भी उसके साथ मिली हुई है। अब मेरे दीदी से शादी कौन करेगा? हाँ? कौन अपना करना? नहीं, हाय साला ले से तू, छोड़ दे, तू लगे मत। हाँ? जो कुछ भी हुआ है उसमें क्या दीदी की गलती है क्या? बाकी जा करे। दीदी भी खुद कितनी परेशानी आई। है तू क्यों कर रही है ऐसा? चल, छोड़ दे। चल, सॉरी काश। चल आइए। ढूंढ। सर आपने देखा नहीं है, डीसीपी साहब की जैकेट, लगता है लेपर्ड ने खा लिया उन्हें। क्या? ये तुम्हें कैसे मालूम लेपर्ड ने खाया? सर अब डीसीपी चित्रोले की लाश नहीं मिली है, न लाश, लाश के टुकड़े। दया, जिस लेपर्ड ने डीसीपी साहब को खाया है ना, उसके दांत टूट गए होंगे, इतनी मोटी चमड़ी है चित्रोले की। अगर ये लेपर्ड जिसने चित्रोले साहब को खाया है मिले ना तुम्हें, तो माला चढ़ा देना उसके गले में मेरे तरफ से, बहुत बड़ा एहसान किया है उसने हम पर। ये तो है सर, जब से डीसीपी साहब को जानवर ने खाया है, मतलब चित्रोले साहब जंगल में गायब हुए हैं, मैं जब भी सुबह उठता हूँ ना, तो मेरा मन जो है ना सर, वो डांस करने का करता है। अरे हमें भी पढ़ा लो डांस के लिए। ये कौन बोला? तारा चाचा बोला, चौधरी चित्रोले। डांस करने का तो मारा भी मूड होवे है ना? हमारा लेपर्ड मर गया सर। नमस्ते चाचा जी, सॉरी सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। वो लेपर्ड मिला था मुझे, जिसके गले में तुम माला डालने वाले थे, बहुत रोया मुझे देख के, बहुत रोया। ऐसा रोया मुझे देख के कि नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ, वो आपकी जैकेट जो है वो
जिस हालत में मिली थी तो हमें तो लगा कि जानवर ने आपको मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे सर। अरे जैसे मैं जंगल में आगे आगे जा रहा था, अचानक मुझे कुछ आवाज आई, पीछे मुड़कर देखा, एक लेपर्ड आ रहा था। मैंने फौरन अपनी जैकेट उतारी, चाकू से काटी और फेंक दी। लेपर्ड जैकेट के पास आया, उसने देखा डीसीपी को तो पहले से किसी ने खा लिया है, बेचारा मुड़ के भाग गया। क्या फेंक रहा है, जानवरों को भी बेवकूफ बना दिया सर आपने। सर आदमी किस खेत की मूली है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रहने दो, जाकर कहीं चुप कर बैठे थे ताकि काम ना करना पड़े। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं प्रद्युमन, 24 घंटे काम करता हूं, समझे? एक रॉबरी हो गई है, पता है? लाश पड़ी है दुकान के बाहर। लाश? यस लाश। हेलो सीआईडी ब्यूरो है, कौन सा शोरूम है? ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। या है ना? जी सर। सर 50 लाख का माल लूटा गया है, एक आदमी की मौत भी हो गई है। वहां पे एक कांस्टेबल गुजर रहा था, उसने उस पर गोली चलाई तो वो बच गया, कांस्टेबल ने मार दिया एक रॉबर को। कांस्टेबल बहादुर है, उसने कंट्रोल रूम में फोन किया, कंट्रोल रूम ने मुझे, मगर आपने हमें नहीं किया। लेट्स गो। राजुमान एक मिनट, तुम इधर आओ और तुम लोग जाओ। क्यों सर? मैंने कहा इसलिए, जाओ। सर मगर वहां इतना बड़ा कांड हुआ है, वहां पे मेरा राजुमान, ये केस सॉल्व करके दिखाओ, पकड़ के दिखाओ उन रॉबर्स को, बिना अभिजीत और दया की मदद के। ये क्या बचपना है सर? बचपना नहीं है, वो लोग भी काम करेंगे इस केस पे और तुम भी करोगे, मगर अलग से। देखते हैं कौन जीतता है, पहले कौन पकड़ता है उन रॉबर्स को। ये मजाक नहीं है सर, सर मैं उनका बॉस हूं, मैं उनके, ठीक है डीसीपी चित्रोले, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है ले लिया आपका चैलेंज। बाहर जाओगे? लगे शर्त। लगी? अरे मैं बर्बाद हो गया, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, अरे मैं बर्बाद हो गया, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, चोरी करके ले गए। अरे साहब 50 लाख का नुकसान हो गया। ताला तोड़ के? नहीं जी, बीच में से जनरेटर उठा के ले गए, ताला तो मैंने अपने हाथ से खोला है। ये रोना धोना बंद करो, निकल जयवंती, आसपास जरा पूछो किसी ने कुछ देखा है क्या। लगता है यहाँ कोई तूफान आया था। तूफान ही तो है, 50 लाख का माल लूट के चले गए, जो कुछ भी था सब ले गया, कुछ नहीं छोड़ा। क्या काम है? शटर का दरवाजा बंद था, फिर भी बीच में से तोड़ मरोड़ के अंदर घुस गए और सब कुछ साफ, देखा भी नहीं। देख सीसीटीवी कैमरा, इससे कुछ पता चल सकता है। बर्बाद हो गया। भाई साहब जरा अंदर आना, अंदर आओ। भगवान इन कैमरास की रिकॉर्डिंग देखी? रिकॉर्डिंग आप नहीं देख सकते। मैं नहीं देख सकते? कोई गैर कानूनी काम चल रहा है क्या यहाँ पे? सर हम लोग कोई गलत काम नहीं करते, दरअसल वो जो चोर है ना वो सीसी कैमरा का रिकॉर्डर अपने साथ उखाड़ के लेके चला गया, यही लगा था।
शटर को तो बहुत खींचा है बीच में से। खींचेंगे कितनी जगह निकलेगी? इतनी सी जगह में थे तो या तो कोई बच्चा अंदर जा सकता है या फिर कोई लड़की। ओ दया, ये देखो लड़की का बाल। ये कोई लड़की गई थी अंदर, लुटेरों में से कोई लड़की भी है। बाल कलर किया हुआ है। आपके स्टाफ में किसी लड़की ने बाल कलर किए हुए हैं क्या? हमारे स्टाफ में बस यही लड़की है। मगर सर मेरे बालों में तो कलर नहीं हुआ है। बाल के रंग तो रातों रात बदले जा सकते हैं लेकिन डीएनए नहीं। हम इसकी अच्छे तरीके से छानबीन करेंगे। आप बताइए कल रात क्या हुआ क्या था? सर मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके चौकी से लौटी रहा था तो मैंने देखा कि तुम लोग hands up, रुक जाओ। आपको पूरा यकीन है उनमें से तीन लड़कियां? जी सर पक्का, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लाश को चेक किया? हाँ सर। कोई आइडेंटिटी? आईडी तो नहीं मिली, ये बाइक की चाबी मिली है। बाइक की चाबी? मतलब इसकी बाइक यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। चलो देखते हैं। अभिजीत लग गई, ये बाइक है उसकी। ठीक है, आरटीओ से पता करते हैं किसके नाम पे बाइक है। जा रही हूँ मैं, अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। पागल वागल तो नहीं हुई हो तुम? अभी अभी स्टोर लूट के आए हैं और तुम भागने का सोच रही हो? प्रियते तुम्हारा छोटा था या मेरा? पुलिस को जरा सा भी वक्त नहीं लगा मुझ तक पहुंचने के लिए। तो इतनी बड़ी डरपोक थी, तुम्हारा साथ क्यों दिया चोरी में? क्योंकि तब मुझे पता नहीं था ना कि तुम लोगों का मर्डर का भी प्लान। हमने किसी का मर्डर नहीं किया है, उस हवलदार ने हमें मजबूर किया था गोली मारते ना तो तीनों जेल में होते इस समय। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, हिस्सा करके रखना। ये हिस्सा विस्सा होता रहेगा। कल कपड़े पहने थे होगा तो हम डायमंड्स इनका क्या करना है? मुझे दे दो, मैंने ऑन द वे डिलीवर कर दूंगी। के पास गोली का छेद छोटा है, बिल्कुल ही। हाँ, छोटी सी गोली, छोटा सा छेद। मगर सारंग के जिस कांस्टेबल ने गोली चलाई उसके पास 0.38 कैलिबर की गन थी। उस गन की गोली इतनी छोटी नहीं होती। बॉस इसका घाव तो देखो। हाँ ये देखो, छोटा सा घाव, छोटी सी गोली। और ये दूसरा घाव, क्या दो गोलियां चली है? नहीं नहीं, गोली एक ही मारी है। ये घाव तो मैंने बनाया। तूने किया? नकली घाव क्यों? अरे बॉस मैंने जब लाश का एक्सरे निकाला तो पता चला कि
ये देख, ये गोली यहां लगी जरूर दिल के पास में, लेकिन यहां पर मिली नहीं। गोली मिली यहां नीचे, पेट के नीचे, रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर। ये घाव इसलिए बनाया कि यहां से मैंने ये गोली निकाली है आप लोगों के आने से जस्ट पहले। तो तूने यहां से वो गोली निकाली? सारों के वो कांस्टेबल नीचे झुका हुआ था यार, उसने नीचे से गोली चलाई है उस पर। अगर नीचे से गोली चलाएगा तो गोली कहां मिलनी चाहिए? पीठ पे, ऊपर की तरफ। अरे बॉस, गोली ऊपर से चली, ऊपर से। देखो मैं बताता हूं। देख क्या? हाँ, ये देख, ये मैंने स्केच बनाया, ये गोली ऊपर से चली है बॉस। सारों के कांस्टेबल नीचे झुका हुआ था यार, उसने गोली नीचे से मारी है। बॉस, कांस्टेबल की गोली इस आदमी को लगी नहीं, वो तो कहीं और ही निकल गई। सर, सर ये गोली जो उनके शरीर से निकली है, ये .22 कैलिबर की है। ये देखो, छोटी सी गोली है, जो ऊपर से आई है। देखो, मैं बताता हूँ। अगर ये कांस्टेबल अगर नीचे से गोली मारता, तो गोली यहाँ पीठ में लगती है, फोर्स की वजह से और ऊपर की तरफ जाती ना। लेकिन यहाँ तो गोली नीचे आई है, ये देखो। ये गोली ऊपर से यहाँ आई, दिल के पास लगी और फिर नीचे आई फोर्स की वजह से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आसपास की किसी छप्पर से गोली चलाई गई है ऊपर से। यार सारुखी, तू भी है ना, जब भी मैं तेरे पास कोई केस लेकर आता हूँ तू उल्टा का पुल्टा कर देता है। एक तो यहाँ पर ये और वहां पर वो ग्रैंड लगा हुआ है। ब्यूरो में ग्रैंड क्यों लगा हुआ भाई? डीसीपी चित्रोले नई स्कीम लेकर आया है दिमाग में, दो टीम्स बनाने वाला है। अब ये दया की एक टीम और मेरे साथ बाकी बचे लोग। लेकिन उसे पता नहीं है, जानता नहीं है वो मुझे। अब मैं कोई मदद करूं? आग लगाने की। अरे यार, मैं चलता हूं ना तुम्हारी मदद करने को। अभिजीत किस खेत की मूली है? तुम देखना अपन केस को यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे यार। सर, अभिजीत के बारे में क्यों बुरा बोल रहे हो? दुख हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तारिका, इससे कुछ मत बोलना, ये अभिजीत को जाकर के बता देगी सब कुछ। चुप रहे। उस ब्रेसलेट के बारे में क्या पता चला? हाँ सर, मैं बस अभी चेक करने वाली हूँ। तुम्हें जल्दी करो तारिका, जल्दी पता लगाओ किसने, किस ज्वेलर ने ये ब्रेसलेट बनाया है। मैं तुम्हें फोन करूंगा बाद में। सांके, चल। तारिका जी, अभिजीत। डीसीपी सर, आप? मैं। मगर ये लैब में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? कोई आवाज नहीं है। अब एसीपी सर और सालुंके सर बस अभी अभी गए हैं। सालुंके एसीपी के साथ क्या? हाँ, वो उनकी टीम में मिल गए जब उन्हें पता चला आपने दो टीम बना ली। मेरे खिलाफ बगावत का झंडा उठाया जा रहा है। तारिका, मालूम है मैं अभिजीत की तरफ हूं। अभिजीत और दया बड़े होशियार ऑफिसर है दोनों। काम ये दोनों करते हैं, मलाई वो खाता है। सीपी पूरी दुनिया भर में फैला रखा है। सीआईडी मेरी वजह से चल रही है, कद्दू चल रही है मेरी वजह से। जी सर, और क्या क्या पता चला यहाँ पे? सर वो गोली ना, वो गोली ऊपर से आई थी। ऊपर से आई है मतलब कोई तीसरा आदमी था वहां पे? हाँ। ये ब्रेसलेट वही है ना जो उस चोर लड़की के हाथ में से गिरा था? जी सर। इस पे कुछ लिखा हुआ है? किसने बनाया ये? सर वो तो है ना। तारिका, अगर तुम यहाँ पे ना होते ना इस लैब में, तो सालुंके तो पिट गया था। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, तुम्हारे वैसे चलती है ये लैब, काम सारा तुम करती हो, वाई वाई सारा खा जाता है सालुंके। इसका ट्रांसफर ना मैं कहीं दूर करने वाला हूं, गढ़चिरौली, और उसके बाद यहां की बॉस तुम। सच्ची सर? हाँ, मेरे हाथ में है। अब बताओ, कुछ लिखा है इस पे? हाँ,
हाँ, इसमें कुछ तो लिखा था, मैं बताती हूँ। C K J ओ सी के जे। सर आप क्या सोच रहे हैं? वहां पे अभिजीत को प्रमोशन, यहाँ पे तुम्हें बस एक काम करना, एसीपी को नहीं बताना इस ब्रेसलेट पे क्या लिखा है। जी सर, नहीं बताऊंगी। बस एक बात बताओ, जब तुमने वीर पर गोली चलाई उस वक्त तुम कहां थे और वीर कहां था? सर वो मैं यहां पर थे। जी सर। तरुण के, गोली अगर यहां से चलाई तो नीचे से ऊपर जाती, मगर तूने तो बता ही दिया है कि गोली ऊपर से नीचे चली है। बिल्कुल ऊपर से। यस बॉस, वो गोली ऊपर से चली है। और देखो गोली यहां, गोली इसी बिल्डिंग या दसवें माल, बाकी के आठवें मंजिल तक इन पेड़ों से ढके हुए हैं, मतलब नौवें या दसवें माले से उसने अपना निशाना साधा। बिल्कुल यहां। इसी तरफ के फ्लैट्स बाहर की तरफ खुलते। अच्छा, यस। देखिए हम कुछ पूछताछ करने आए हैं। वैसे कल रात 2 और 3 बजे के बीच में आप लोग कहां पर थे? सो रहे थे, और क्या। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। सर आप लोग तलाशी ले सकते हैं। सचिन, पूर्वी, इनके घर की तलाशी लो। और फ्रेडी, दसवें माले पे जाके चेकिंग करो। यस सर। ये तरफ। कल रात ड्यूटी पर कौन था? सर वो दूसरा वॉचमैन था। बुलाओ उसे। सर ऊपर के कमरे में ताला लगा है। सर हाँ, घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला सर। अच्छा सर, सर ये वॉचमैन है नाइट ड्यूटी पर। बात बताओ यहाँ इस ऊपर वाले फ्लैट में कौन रहता है? सर एक बैचलर रहता है, बट अभी वो अपने गांव गया हुआ है, लेकिन कल रात उसके फ्लैट से बहुत सी आवाजें आ रही थी। कैसी आवाज? सर कुछ फर्नीचर हटाने की आवाजें। अशोक कल मैंने तुम्हें कॉल किया था कंप्लेन करने के लिए, लेकिन तुमने फोन भी नहीं उठाया। वैसे इस ऊपर वाले फ्लैट की चाबी किसके पास मिल सकती है? सर इसी के पास रहती है। सब क्लीनिंग करने के लिए। जब इन्होंने फोन किया था तुम्हें रात को, फोन क्यों नहीं उठाया? सब पंप चालू करने के था पानी का, पर हाथ हो तो सुबह 5 बजे करता है ना। हाँ हाँ सब पर वो पर क्या मुझे माफ कर दो सब। सच सच बता, मुझे एक औरत ने सुपारी दी थी उस आदमी को मारने की। किस औरत ने? तुम जानते हो उस औरत को? नहीं सर, मैं नहीं जानता उस औरत को, लेकिन उस औरत ने एक लिफाफे में उस आदमी की फोटो और कुछ रुपए दिए थे सर। कहाँ है वो लिफाफा? वो लिफाफा घर पर है सर। तो हमें तुम्हारे घर ले चलो और उस औरत का स्केच भी बनवाओ। क्या हुआ? आंटी हमने वीर को हर जगह ढूंढ लिया, मगर उसको कोई अता पता है नहीं। मुझे मुझे बहुत घबराहट हो रही है, हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सीआईडी। वीर के बारे में आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। वीर के बारे में? क्यों, वो ठीक तो है ना? आप लोगों को मालूम था कि वीर अपने दोस्तों के साथ एक ज्वेलरी स्टोर को लूटने गया है। क्या 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 बकवास कर रहे हैं आप? वीर ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप कौन?
मैं अंकिता, मैं वीर की मंगेतर हूँ। वो ऐसा कर सकता है नहीं, उसने कर दिया है। हमारे पास ठोस सबूत है। निकल, जयंती, घर की तलाशी लो। नहीं, नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारा वीर ऐसा नहीं कर सकता। सर ये देखिए, ये नक्शा उसी ज्वेलरी शॉप का है जहाँ पे चोरी हुई थी, वीर के कमरे से मिला है। और सर ये कुछ नोट्स भी हैं उसी ज्वेलरी स्टोर के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में। सर सच बताइए, आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? नहीं सर, घर में सब कुछ ठीक है, पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर क्यों ऐसा करेगा? लेकिन उसने ऐसा किया है। हमें उसके साथियों की तलाश है। तीन लड़कियां थी उसके साथ में। क्या, तीन लड़कियां? हमें उनकी भी तलाश है। जरा याद करके बताइए कि वीर किसी से मिला था, या फिर किसी का फोन कॉल आया था उसे, या फिर किससे मिलने वाला था वो? हाँ सर, वो बाहर गया था दो दिन पहले, देर रात गए। मैंने उससे पूछा भी था कि वो बाहर क्यों गया था, तो उसने कहा कि कोई मिलने आया था उससे। दो दिन पहले, तो लूट के एक रात पहले शायद वॉचमैन ने देखा किससे मिलने आया था। तुम वीर के दोस्त हो? जी नहीं, मैं उनका कजिन हूँ। ठीक है, आप जरा मेरे साथ आओ। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट कल लूट के दौरान वीर को गोली लग गई थी और उसकी मौत हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। सीआईडी वाले कह रहे थे कि वीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोल रहे? वीर मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। काम का सबसे मुश्किल पल यही होता है, किसी को बताना कि उसका अपना नहीं रहा। ए, क्या कर रहे हो यहाँ पे? सॉरी सर, दिन में मक्खी और रात को मच्छरों ने परेशान कर रखा है। तुम्हारी ड्यूटी रात में भी लगती है यहाँ पे? हाँ सर। तो ये बताओ कि दो रात पहले वीर यहां बाहर किसे मिलने आया था? वो सोचना पड़ रहा है। हाँ सर, वो थोड़ी प्रोसेसिंग चल रही थी, याद आया। वीर साहब दो दिन पहले किसी मैडम से बात कर रहे थे, वो यही गेट के सामने। कौन लेडी? अरे वही, अपनी प्रिया मैडम। प्रिया, तुम जानते हो उनको? हाँ। कहाँ रहती वो? मैं क्या कर रहा है? हाँ, वो भूत है क्या आसपास? हाँ सर। अरे उसे बोल दे जोर से लगी है, जा किसी वॉशरूम में घुस जा। नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा पता पता क्या हो रहा है? सर खूनी का पता चल गया है। अच्छा, एसीपी जीत गया। कौन है? वॉचमैन ने। वॉचमैन डैडी, तेरी लाइफ तो बन गई सब। आज मैं तेरा प्रमोशन करा दूंगा। बता मुझे और बता। कहानी में एक ट्विस्ट है। एक और ट्विस्ट? अभी पता चला है कि वॉचमैन को किसी औरत ने सुपारी दी थी वीर का खून करने के लिए। ओ, औरत ने सुपारी दी, कौन है? यही पता करने के लिए हम लोग वॉचमैन के घर पे जा रहे हैं। ये वॉचमैन रहता कहाँ पे है पता जरा। क्या है रे, दरवाजा तोड़ेगा क्या? क्यों ठोक रहा है इतना? दाल मंगाई थी तुझसे लाया? नहीं, एक भी काम तेरे से ठीक से थोड़ी होता है। मेरी बात तो सुनो, ये लोग। और ये क्या, आया तो आया, मेहमान लेके आया साथ में। अरे तेरे को मालूम है ना दाल का भाजी का भाव कितना बढ़ गया है, अभी ये लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा? मैडम, हम मेहमान नहीं, सीआईडी से। सीआईडी? फिर से? फिर से सीआईडी का मतलब?
अरे अभी थोड़ी देर पहले एक बड़े साहब आए थे, वो भी सीआरडी से थे। नाम क्या था उनका? नहीं नाम तो नहीं बताया, पर आपसे थोड़ी देर पहले एक बड़े साहब आए थे, बोल रहे थे मैं सीआरडी से हूँ। अजीब से दिख रहे थे, ये बड़ी बड़ी आंखें थी, मुझे तो पागल लग रहे थे वो। जाते वक्त बोल रहे थे कि उनके कुछ चमचे आएंगे, आप लोग वही लगते हो मेरे को। बराबर बस, ऐसा तो सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, डीसीपी चित्रोले। बस लिफाफा तो गया, अब वो ब्रेसलेट है ना जो चोर के हाथ से गिरा था, उससे कोई ना कोई सुराग मिलेगा। तारिका, तारिका ये हो क्या गया तू? तुम फोन पर बात करने से मना क्यों कर रही? सर वो बात ऐसी, बात कुछ भी हो तारिका, जब किसी खून का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो तुम ये ऐसे नहीं बोल सकती कि बात जो भी है मैं फोन पर नहीं बताऊंगी, समझी? इसने ऐसा कहा? क्या सामने खड़ी है, तुम खुद क्यों नहीं पूछते? तारिका, एसीपी के मुंह पर तमाचा मार दिया तुमने। सर मैंने तमाचा नहीं मारा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि फोन पे नहीं बता सकती। क्यों, फोन पे बताने में दांत घिस जाते हैं तुम्हारे? सर आप इस तरह से मेरे साथ बात नहीं कर सकते। हाँ तो फिर पहले क्यों नहीं बताया कि ये ब्रेसलेट किस ज्वेलर ने बनाई है? अगर बता दी तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। अब खड़े ना, आमने सामने खड़े ना, चलो अब बता दो। बस एक अड़चन है। कोई गजल लिखी है ब्रेसलेट के पीछे? इतनी ध्यान से पढ़ रही हो। सर हर चीज ध्यान से ही पढ़नी पड़ती है ना। हाँ ध्यान से पढ़नी पड़ती है, ये मैंने तुम लोगों को सिखाया, समझी? मेरे मुंह पर मत फेंको ये। तारिका, इन्होंने पूछा और मैंने बता दिया। बताया कुछ नहीं तुमने तारिका, अभी तक कुछ भी नहीं बताया। यार सालुखे तू खुद देख ले किस ज्वेलर ने बनाया, बस देख। ठीक सर, सोच लो। क्या सोच लो? आप लोग के जाने के बाद वो आए थे, टीसीपी चित्रोल आए थे। आप कहां पे दे रहे? और टीसीपी चित्रोल ने इस लैब में कदम रख दिया है, अब समझ लो सबका पूरा का पूरा दिन खराब ही जाने वाला है। आप देख उसका नाम मतलब मेरे सामने, समझे? सर वो डीसीपी चित्रोले है। हाँ चित्रोले डीसीपी है डीसीपी हो, मगर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, समझे? मेरा कोई चाचा नहीं है वो। आप उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये अचानक डीसीपी चित्रोले की माला क्यों जपने लगी तुम? ऐसा क्या कहा डीसीपी चित्रोले ने, बताओ क्या कहा? उन्होंने बस कहा कि इस बात को हो सके तो टाल दो। देखा चित्रोले को कुछ पड़ी नहीं है, खूनी हमारे हाथ से निकल जाएगा तो। वो बहुत होशियार है सर। यार सारू के प्लीज बता दे किस ज्वेलर ने बनाया ये ब्रेसलेट। हाँ बस। हाँ जी आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। प्रिया है घर पर? जी नहीं साहब, वो तो नहीं है। अरे अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। आप चुपचाप एक जगह पे खड़े हो जाइए, खून और चोरी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये देखो चोरी में इस्तेमाल की गई जैकेटें, ग्लव्स, क्या है ये सब? साहब हमें ये नहीं मालूम ये सब क्या है।
तुम्हारी प्रिया मैडम की असलियत है ये। हैं कहाँ आपकी प्रिया मैडम? अपनी दुकान पर गई हैं। कहाँ पे ये दुकान? साहब पास में है, प्रयास कलेक्शंस। प्रयास कलेक्शन। जयवंती, निखिल, एक एक चीज की लिस्ट बनाओ यहाँ पे। सर। क्यूज मी। जी सर। देखिए हम लोग सीआईडी से। सर इस ब्रेसलेट को देखिए, ये जो ब्रेसलेट है क्या ये आपने बनाई है, आपके यहां बनी है? जी सर, मैंने ही बनाया इसे। किसके लिए बनाई थी ये? मेरा मतलब है किसने खरीदी थी ये? एक्चुअली में सर ऐसे 3 पीस बनाए थे मैंने। अच्छा, सारे बिक चुके हैं, देखकर बताना पड़ेगा सर। जरा प्लीज जल्दी बताइए। जी सर। पूर्वी एक मिनट। हाँ सर। सर ये रहा उन लोगों की लिस्ट जिन्होंने ये ब्रेसलेट खरीदे थे। ये सर तीसरा है। क्या ये तीनों ब्रेसलेट एक जैसे ही बनी थी? मेरा मतलब है एक ही डिजाइन थी इन तीनों की? सर तीनों एक जैसे थे। सर याद आया सर, एक लड़की ने अपने ब्रेसलेट में कुछ एक्स्ट्रा काम कराया था। कौन कौन थी ये लड़की? क्या उसका एड्रेस टेलीफोन नंबर वगैरह है आपके पास? सर उसने पेमेंट कार्ड से किया था। रकम बड़ी होती है तो हम कस्टमर का आईडी प्रूफ ले लेते हैं सर। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा काम करते हो आप। प्लीज दीजिए डिटेल्स। जी सर। सर ये वाले ये अच्छे। ये क्यों? सर इस पे एस लिखा है, एस फॉर साड़ों के। कमाल है यार। भाई साहब ये वाली अंगूठी पैक कर देना और जरा अच्छे से रैप करके देना, पैसे कितने भी हो दे दो। क्या ले रहा है? अंगूठी और क्या? किसके लिए? गर्लफ्रेंड के लिए यार, और किसके लिए? सालुंके साहब आपकी गर्लफ्रेंड भी है? है मतलब क्या है? है तो है, गर्लफ्रेंड है। अबे सालुंके एक कंगाल हो जाएगा, इतने सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। चल अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए आए। सर ये रहा रोनीता। तुम लोग प्रिया के घर में पहुंच भी गए? हाँ सर। मेरे से पहले मिली वहां पे? नहीं सर, वो घर पे नहीं है। कहाँ गई? एक्चुअली सर वो अपने कपड़ों के स्टोर पे गई है। तो तुम क्या कर रहे हो वहां पे? हाँ अभिजीत सर और दया सर उसको पकड़ने के लिए उसके कपड़ों के स्टोर पे गए हैं और हम यहाँ पे रुकने के लिए कहा है। है कहाँ पे ये प्रिया का स्टोर? मत पक्का हम उसी के घर पे आए? नहीं दूसरे के घर में आए। अरे यार यार रोनीता का ही घर है सारुण के। तो देख करके लगता तो नहीं उसने कोई सुराग छोड़ा होगा अपने बारे में? हाँ वैसे ही लगता है। वहां पे डीसीपी चित्रोले सारे सुराग लेकर चले गए और यहाँ पे इस रोनीता ने एक भी सुराग नहीं छोड़ा। अच्छी तरह से घर को ढूंढते हैं। प्रियाज कलेक्शन। सर आप लोग यहाँ पे कैसे? तुम लोग यहाँ पे कैसे? सर वो जो लड़का मरा था वहां से हमें पता चला वो किसी प्रिया नाम की लड़की को जानता है तो हम उसके घर गए, लेकिन वहां से गायब थी वो। तो वहां पता चला कि वो यहाँ पर आई है अपनी शॉप में, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। सर आप लोग यहाँ कैसे? याद है ना वो ब्रेसलेट जो चोर के हाथ में से गिरा था? उस ब्रेसलेट ने हमें ज्वेलर तक पहुंचा दिया और ज्वेलर ने रोनीता के घर जहाँ पर हमें ये प्रिया कलेक्शन का टैग, का नाम प्रिया है। प्रिया को लेकर चलते पूर्वी, जाओ उठाओ प्रिया को। यस सर। एक्सक्यूज मी। यस ये प्रिया का? प्रिया तो यहाँ नहीं है। मैं इंस्पेक्टर पूर्वी सीआईडी से। अब जरा आइए मेरे साथ। सर प्रिया तो नहीं, उसकी असिस्टेंट है। प्रिया कहाँ? सर उनको तो सीआईडी वाले लेकर गए हैं। क्या सीआईडी वाले? कौन सीआईडी वाले? वो एक आदमी आया था, वो बोल रहा था कि वो सीआईडी से है। वो कैसे दिख रहे थे? ऊंचे से थे, बड़ी आंखें, सूट बूट पहने हुए? हाँ यस सर। किसी भी चित्रोले दया, हमारे टीम में कोई तो गद्दार है।
जो उसे सब इंफॉर्मेशन देता है। एक काम करते हैं, चित्रोले का फोन ट्रेस करते हैं, देखते कहां पर है। चलो आप मुझे यहां पे क्यों लाए हैं? कुछ बात कर रही है तुमसे। बात तो वहां पे भी हो सकती थी। वहां पे भी हो सकते थे, मगर बाकी लोग आ जाते ना वो सीआईडी वाले। यहाँ पे और कोई नहीं है? है? कहाँ? मोना, 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 ए, मोना। अरे पता नहीं मोना कहाँ चले गए। मुझे पता है, यहाँ पे कोई मोना सुना नहीं है। मुझे डर लग रहा है। फोन करते हुए डर नहीं लगा? क्या कह रहे हो आप? आप मुझे यहाँ पे अकेले क्यों लाए हो? फोन क्यों किया? मैंने कोई खून नहीं किया। खून की सुपारी दी, वीर का खून करवाया। वीर? मैं किसी वीर को नहीं जानती। जवाब दो। मुझे डर लग रहा है। आप क्या करना चाहते हो? ड्रामा बंद कर। मैं चिल्लाऊंगी यहाँ पे, सबको बुलाऊंगी। आप कुछ करना चाहते हो, मुझे फंसाना चाहते हो? कोई फंसा नहीं रहा हूँ, जवाब दे। अच्छा ले आता, बंद कर, रोना बंद कर, आंसू साफ कर, बंद करो। आंसू पूछ ले। दूर रहना। नहीं आता। मुझे माफ कर दो। लड़की पीछे हट। प्लीज मुझे प्रॉमिस करो, मुझे प्रॉमिस करो, कुछ नहीं करोगे? अरे मेरी माँ, पीछे हट पहले। डीसीपी चित्रोले, बहुत होशियार बनता है ना तू चिट्टू, मुझे यहाँ पे अकेले क्यों लाया? अरे नादान लड़की, गोली चल जाएगी। गोली मार दूंगी मैं तुझे। अरे मुझे मार के क्या फायदा, मेरे आगे पीछे तो कोई रोने वाला भी नहीं है। मुझे फंसाने वाला था ना तू? मैं हाथ जोड़ता हूँ माफ कर, सिर्फ इतना बता दे वीर को क्यों मरवाया? इसलिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.